एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके बाद अब प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में टेंशन भी बढ़ गई है। इतने ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 20 दिन बेहद क्रिटिकल होने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में खराब वायु गुणवत्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 1 नवंबर को कहा कि अगले 15 से 20 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिहाज से काफी अहम होंगे। मीडिया से बात करते हुए राय ने कहा कि 1 नवंबर से अगले 15-20 दिन काफी अहम है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तापमान गिर रहा है और हवा की गति कम हो गई है, इसीलिए प्रदूषक तत्व निचले स्तर पर है। कल AQI करीब 350 था। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट पर चल रहे काम की वजह से स्थिति नियंत्रण में है। कुछ हॉटस्पॉट पर वाहन प्रदूषण का योगदान ज्यादा है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अलग अलग विभाग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप सेकंड का विश्लेषण करने के लिए बुधवार को बैठक की गई। उन्होंने कहा कि ग्रैप सेकंड का विश्लेषण करने के लिए अलग अलग विभागों की एक बैठक हुई, जिसे पूरी दिल्ली में लागू किया गया था। हमने स्थानीय प्रदूषण के स्रोत क्या है ये जानने के लिए अलग अलग स्थानों से रिपोर्ट मांगी। हमने अनुरोध किया है कि राज्य सरकारें CNG या डिपो से ही BS6 बसें भेजे। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि पराली जलाना कब हुआ है, लेकिन इसका असर दिल्ली के प्रदूषण पर देखा जा सकता है। इसी बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 1 अक्टूबर को सुबह 336 दर्ज किया गया, जिसे लगातार चौथे दिन और इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ गई। अब आपको बता दें कि शहर का AQI 309 से बहुत खराब श्रेणी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार AQI सोमवार को 322 और मंगलवार को 327 दर्ज किया गया था। दिल्ली में सुबह के सैर करने वालों ने कहा कि सांस लेना अब उतना आसान नहीं है जितना गर्मी के महीनों में हुआ करता था। मयूर विहार के पास सुबह की सैर करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि गर्मी के महीनों की तुलना प्रदूषण के कारण दौड़ते समय सांस लेने में थोड़ी असुविधा महसूस होती है। मुझे भीड़भाड़ का सामना करना पड़ता है, हमें सावधान रहने और सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है। दिल्ली विश्वविद्यालय और पूसा में आज सुबह 7 बजे AQI के साथ हवा की गुणवत्ता 391 और 311 के साथ बहुत खराब दर्ज की गई। अब ऐसे में ये कहा गया है कि अगले 15 से 20 दिन बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।